तो आप देख सकते हैं अनिल विज ने जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए कई लोगों को सस्पेंड किया है। आपने काम लेना ना इनसे, मैं लोगों को सड़कों पर धक्के नहीं खाने दूंगा, आपको काम करना पड़ेगा। तो ले लो भाई सारा केस हमारे डीजीपी को, कुछ किया ही नहीं, कोई और काम ढूंढ लो, जरूरी नहीं करना है। छह महीने से कार्रवाई पेंडिंग, आपके बुलाने से कोई बंदा नहीं आता थाने में। भाई सारे तुम्हारे कह रहे कि जी हमने बेचा था वो आया नहीं जी, इस बात की पुलिस है। अगर तुम्हारे बुलाने से मुजरिम नहीं आता यहां पर, आप मुजरिम को पकड़ नहीं सकते हो, किस बात का हुआ है? करो प्रेम सिंह को सस्पेंड, इतनी पेंड एनसी प्रेम सिंह को। देखिए लंबे समय से केसेस पेंडिंग पड़े हैं, बहुत सारे लोगों की दरखास्तें पड़ी हैं जिनके केस ही दर्ज नहीं किए गए हैं, और जो दर्ज किए गए हैं उनमें भी कार्रवाई पेंडिंग है। 3 महीने से 6 महीने से जो पुराने केस हैं उनमें 33 केसेस में अभी तक कार्रवाई पेंडिंग है। इसलिए एसएचओ को, क्योंकि एसएचओ पूरी तरह से जिम्मेवार होगा, एसएचओ को और दो सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया जाए। तो सब आगे भी तरह के थानों पे जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। मैं हरियाणा के लोगों को इंसाफ की दरकार में धक्के नहीं खाने दूंगा, इनको काम करना पड़ेगा, सब लोगों को इंसाफ देना पड़ेगा। देखो मैक्सिमम केसेस में देखा गया कि एफआईआर दर्ज ही नहीं की गई, फाइल्स दबा के रख दी गई। मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया एफआईआर अगर दर्ज कर दी गई, अरेस्ट नहीं किया गया। नहीं, बिल्कुल वो है, और मैं एसपी को कहूंगा कि एक एक केस की इंक्वायरी करके जितने यहां पर पेंडेंसी है बंदूक की नोक का नुका जो करो किसी फाक दी थी तेरे सारे परिवार में पसंद करोगे। कौन कहता वो देश का छोकर सुबह सिद्ध इसमें नहीं, आप यहाँ पे पक्का कर।
नहीं ऐसे तो पैसे मांगते था। हाँ पैसे मांगा नहीं था, नहीं अंदर करूँ का था बड़े नियम धर्म करे मना पर यूँ नहीं मानिया। बहुत करप्ट कर रहे हैं तो जी, इस बार हम जा चुके जी, बहुत परेशान है जी, बहुत परेशान है जी, मंत्री साहब मंत्री है इधर देखो सर जी शराबाद में तीन मंत्री हैं जी। वो तो कह रही तीन महीने अंदर रह के आई और वो ये भी कह रही है आप 2 लाख रुपए मांग रहे हैं भाई, कह रही है आप 500 कह रही है सर जी, ऐसा ना भाई, ऐसा ऐसा है मैं लाइव इलेक्शन करा दूंगा तुम्हारी, लाइव भी करा दूंगा तुम्हारी भी करा दूंगा, लाइव इलेक्शन तो आप देख सकते हैं अनिल विज ने जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए कई लोगों को सस्पेंड किया है। आपने काम लेना ना इनसे, मैं लोगों को सड़कों पर धक्के नहीं खाने दूंगा, आपको काम करना पड़ेगा। ये ले लो भाई सारा केस होना भी मुझे डीजीपी को कुछ किया ही नहीं, कोई और काम ढूंढ लो, जरूरी नहीं करना है। छह महीने से कार्रवाई पेंडिंग, आपके बुलाने से कोई बंदा नहीं आता थाने भाई, सारे तुम्हारे कह रहे कि जी हमने बेचा था वो आया नहीं जी, इस बात की पुलिस है। अगर तुम्हारे बुलाने से मुजरिम नहीं आता यहाँ पर, आप मुजरिम को पकड़ नहीं सकते हो, किस बात का हुआ है? करो प्रेम सिंह को सुस्पेंड।
इतनी पेंट ये देखिए, लंबे समय से केसेस पेंडिंग पड़े हैं, बहुत सारे लोगों की दरखास्तें पड़ी हैं जिनके केस ही दर्ज नहीं किए गए हैं, और जो दर्ज किए गए हैं उनमें भी कार्रवाई पेंडिंग है। 3 महीने से 6 महीने से जो पुराने केस हैं उनमें 33 केसेस में अभी तक कार्रवाई पेंडिंग है। इसलिए SHO को, क्योंकि SHO पूरी तरह से जिम्मेवार होता है, SHO को और दो सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया। जी सब, आगे भी तरह के थानों पे जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। मैं हरियाणा के लोगों को इंसाफ की दरकार में धक्के नहीं खाने दूंगा, इनको काम करना पड़ेगा, सब लोगों को इंसाफ देना पड़ेगा। जैसे मैक्सिमम केसेस में देखा गया कि FIR दर्ज ही नहीं की गई, फाइल्स दबा के रख दी गई। मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया FIR अगर दर्ज कर दी गई, अरेस्ट नहीं किया गया? नहीं, बिल्कुल वो है। और मैं SP को कहूंगा कि एक एक केस की इंक्वायरी करके जितने यहां पर पेंडेंसी है। प्रेम कैसा है? SP मैडम का।